हाथ से सूर्य पंचांग का ये मतलब है कि जो मैंने कल आपको टेबल समझाया था, हमारा ये टेबल था, मेष वृषभ मिथुन करक सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ और मीन, और जो नक्षत्र चलते हैं केतु शुक्र सूर्य सूर्य चंद्र मंगल मंगल राहु गुरु गुरु शनि बुध। तो हाथ से पंचांग का ये मतलब है कि हाथ की जो ये चार उंगलियां हैं, मेष वृषभ मिथुन करक सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, और जो नक्षत्र आएंगे केतु केतु शुक्र सूर्य सूर्य चंद्र मंगल मंगल राहु गुरु गुरु शनि बुध। तो कहने का मतलब ये है कि जब इस टेबल को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप हाथ की उंगलियों के ऊपर इसको आप जो है कभी भी आप चलते हुए भी गणना कर सकते हैं। जैसे अप्रैल मई जून जुलाई का महीना जो चल रहा है अभी, तो संक्रांत को 16-17 तारीख को मेष वृषभ मिथुन करक और अप्रैल मई जून जुलाई करक राशि में, जुलाई के महीने में सूर्य जो है करक राशि में प्रवेश करेगा। तो ये हम हाथ की उंगलियों से ऐसे देख सकते हैं, और जब वो करक राशि में प्रवेश करेगा तो किस नक्षत्र में होगा ये हम केतु शुक्र सूर्य सूर्य चंद्र मंगल मंगल राहु गुरु गुरु यानी कि गुरु के नक्षत्र में, गुरु शनि बुध गुरु के नक्षत्र में, फिर शनि के नक्षत्र में, फिर बुध केतु शुक्र सूर्य सूर्य चंद्र मंगल मंगल राहु गुरु गुरु शनि बुध। तो ये हमारा यही जो टेबल है केतु शुक्र सूर्य सूर्य चंद्र मंगल मंगल राहु गुरु गुरु शनि बुध। तो इस टेबल की प्रैक्टिस आपको हाथ पर हो जाएगी। क्लियर है यहां तक? अब देखिए, हमने कल इस टेबल के विषय में समझा था कोई ग्रह किसी राशि में जिस डिग्री पर हो हमें पता चलता है उसका नक्षत्र स्वामी कौन है या वो किस ग्रह के नक्षत्र में। यहां तक कि कुंडली में कोई भाव जिस राशि डिग्री में है या जिस राशि डिग्री से शुरू है तो उस भाव का नक्षत्र कौन सा चल रहा है वो भी हम इस टेबल के द्वारा देख सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है इससे बड़े टेबल की, जो मैंने आपको कल बताया भी था कि एक और टेबल है जिसमें हमें पता चलेगा कि कोई ग्रह किसी राशि में जिस डिग्री पर होगा उसका नक्षत्र तो पता चलेगा ही चलेगा, उसके अलावा वो किस उपनक्षत्र में होगा ये भी पता चलेगा। जैसे मेष राशि है, केतु नक्षत्र है, केतु नक्षत्र 0 से 13 डिग्री 20। अब केतु के अंतर्गत सभी उपनक्षत्र आएंगे, मेष केतु केतु शुक्र सूर्य चंद्र मंगल राहु गुरु शनि बुध, और हर उपनक्षत्र की जो है ये वैल्यू आएगी जो कि 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 तक। और जैसे कि यदि आप इस लेसन में पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि मैंने यहां पर इस टेबल की जो है पूरी वैल्यू मैंने यहां पर बताई है। ये देखिए, इसको मैं बिल्कुल अभी नीचे करने जा रहा हूं कि जो केतु शुक्र सूर्य चंद्र मंगल राहु गुरु शनि बुध इनकी जो वैल्यू है यदि इनका जोड़ करेंगे तो 13 डिग्री 20 कला आता है। और मैंने यहां पे डिटेल दी हुई है कि किस तरह से ये आया है, इसको आप पढ़ सकते हैं तो ये आपको बहुत आसानी से पता चलेगा। सर ये वाला पीडीएफ आपने भेजा नहीं है।
हाथ से सूर्य पंचांग मैंने भेजा है, ये देखिए, ये हमारा टेलीग्राम का ग्रुप खुला है और इसमें ये देखिए मैंने भेजा है, उस पे लिखा है हाथ से सूर्य पंचांग, और उसी को मैंने, ये देखिए अभी, आपने देखा था जहां पे मैंने पीडीएफ लेसन भेजे हैं, केपी ट्यूशन 5 कि आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये राशियां हैं, और मैंने लिखा है पहली लाइन में अग्नि राशियां मेष सिंह धनु, दूसरी लाइन में पृथ्वी तत्व की राशियां वृषभ कन्या मकर, तीसरी लाइन में वायु तत्व की राशियां मिथुन तुला कुंभ, चौथी लाइन में जल तत्व की राशियां करक वृश्चिक मीन, और मैंने आपको वहां पे लिखा भी है, इसको ऐसे याद रखें, 1, 5, 9, 2, 6, 10, 3, 7, 11, यानी कि 1, 5, 9, 2, 6, 10, 3, 7, 11, 4, 8, 12, और फिर केतु शुक्र सूर्य सूर्य चंद्र मंगल मंगल राहु गुरु गुरु शनि बुध, ये नक्षत्र मैंने वहां बताए हैं, और मैंने यहां देखिए लिखा है कि मेष को इस तरह पढ़ें, मेष केतु शुक्र सूर्य इस प्रकार से, सिंह को इस तरह पढ़ें, ठीक है, धनु को इस तरह पढ़ें, तो धनु में केतु शुक्र सूर्य, ये बिल्कुल वही जैसे मैंने आपको कल बताया था, क्लियर है? तो अब इसका जो ये बड़ा टेबल है, इसके ऊपर आते हैं कि हमें किसी ग्रह का देखना है कि वो किस राशि डिग्री में है, उसका नक्षत्र तो पता चलता है, आगे उसका उपनक्षत्र भी पता चलता है, तो इसके ऊपर मैं यहां पर आ रहा हूं। जैसे हम, ये मैंने टाइम चार्ट बनाया था 10 जुलाई, आज की तारीख 8:05 का, तो हर ग्रह हर भाव किस राशि और डिग्री में है ये यहां पता चलेगा। देखिए सूर्य मिथुन राशि में 24 डिग्री 29 कला पर है, तो मिथुन राशि में 24 डिग्री 29 कला पर गुरु का नक्षत्र, बुध का उपनक्षत्र, ठीक है, तो अब उस टेबल में यदि हम देखते हैं मिथुन राशि में 24 डिग्री 29 कला, तो मिथुन राशि बुध की राशि और 20 से 30 डिग्री के बीच में 24 डिग्री आएगा, कहाँ पर आया, यहाँ 20 है, यहाँ 21.46 है, यहाँ 23.53 है, यहाँ 25.46 है, तो यानी कि ये 25.46 शुरू है, और हमारा जो था सूर्य 24 डिग्री 29, तो 24 डिग्री 29 यानी कि 23.53 से शुरू हुआ यहाँ से, इससे अगला हुआ 25.46 से शुरू, तो 24 डिग्री समथिंग यहाँ पर आया। अब इसको आप गिन लें, 1, 2, 3, तीसरा उपनक्षत्र, तीसरा उपनक्षत्र कौन सा है, पहला गुरु दूसरा शनि तीसरा बुध, तो सूर्य मिथुन राशि में 24 डिग्री 29 कला पर, सूर्य मिथुन राशि में 24 डिग्री 29 कला पर गुरु के नक्षत्र में और बुध के उपनक्षत्र में, पता चला सुधीर जी, आपको पता चला सुधीर जी, सुधीर जी बात सुन रहे हैं, आपकी आवाज, आपका मेरे को लग रहा है म्यूट है। हाँ, कोई बात नहीं, तो उनको मेरी आवाज जा रही होगी। तो अब जैसे मान लो हम किसी और ग्रह का देखते हैं, आप यहां पे चंद्रमा का देखे, कर्क राशि में 0 डिग्री 51 कला, बिल्कुल शुरुआत डिग्री, चंद्र कर्क में 0 डिग्री 51 कला, अपनी ही राशि में, गुरु के नक्षत्र में, मंगल के उपनक्षत्र में,
तो करक राशि में 0 डिग्री 51 कला यदि हम देखें, ये है करक, ये 0 डिग्री से 3 डिग्री 20। तो गुरु का नक्षत्र, ठीक है, यानी कि चंद्र अपनी करक राशि में, अपनी ही राशि में, गुरु के नक्षत्र में, और 51 कला, ये आ गया 0.33। तो यानी कि मंगल का उपनक्षत्र। अब वहां पे देखें हम, चंद्रमा करक में 0 डिग्री 51 पे अपनी राशि गुरु के नक्षत्र और मंगल के उपनक्षत्र में, तो यही हमने वहां देखा था। अब किसी और ग्रह को देख रहे, शुक्र को देख लेते हैं, चलो गुरु को देख लेते हैं। गुरु कुंभ राशि में 7 डिग्री 29 कला पर है। तो गुरु कुंभ राशि में 7 डिग्री 29 में शनि की राशि राहु के नक्षत्र, राहु के ही उपनक्षत्र में। तो गुरु कुंभ राशि में, कुंभ राशि ये रही, कुंभ राशि में गुरु 7 डिग्री 29, तो कुंभ राशि में 0 से 6 डिग्री 40 का हिस्सा ये है, 6 डिग्री 40 से 20 डिग्री का हिस्सा ये है, और 7 डिग्री 29 में देखना है ना हमने। तो यहां पर देखेंगे तो गुरु कुंभ राशि यानी शनि की राशि में, राहु के नक्षत्र में, और 7 डिग्री 29 देखे कहाँ आता है। ये देखिए, पहला उपनक्षत्र 6:40 से शुरू है, दूसरा 8:40 से, तो 8:40 से पीछे है 7 डिग्री। तो पहला उपनक्षत्र हुआ यानी कि ये राहु का, तो यानी कि शनि की राशि राहु के नक्षत्र, राहु के उपनक्षत्र में। तो ये टेबल अब आप इसका वैल्यू समझ सकते हैं। और मैं ये आपको बता दूं, कृष्णमूर्ति पत्ती में 1 से 249 के होरारी नंबर लिए जाते हैं, और वो 1 से 249 के होरारी नंबर कम से कम 20-21 पेजों पर है, जिसको मैंने यहां पर एक ही टेबल में सेट कर दिया है। जैसे कि होरारी नंबर एक के द्वारा जब कोई प्रश्न देता है तो लग्न का राशि नक्षत्र उपनक्षत्र बनता है मंगल केतु केतु। जब कोई होरारी नंबर दो देता है तो मंगल केतु शुक्र। जब कोई तीन नंबर देता है मंगल केतु सूर्य। जब कोई चार नंबर देता है मंगल केतु चंद्र। जब कोई पांच नंबर देता है मंगल केतु मंगल। समझ गए? चलिए एक बार दोबारा से। इसके लिए मैं साथ में वो भी खोल लेता हूं जिससे आपको आसानी से पता चले। जो कृष्णमूर्ति पत्ती में, जैसे वैदिक में कोई प्रश्न, जब हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं, हमारे पास कोई प्रश्न लेकर आता है तो हम टाइम चार्ट देखते हैं, प्रश्न चार्ट, उस समय जो लग्न चल रहा है उसके आधार पर देखते हैं। तो क्योंकि कृष्णमूर्ति पत्ती में 1 से 249 नंबर इसलिए लिए जाते हैं कि मान, क्योंकि हमें पता है लग्न लगभग 2 घंटों का चलता है, और मान लो अभी कोई लग्न शुरू हुआ हो, तो जैसे ये अभी 13 डिग्री पे ये मकर लग्न चल रहा है, कोई शादी का प्रश्न लेकर आ जाए, हमें भी पता है कि 2 घंटे तक लग्न यही रहेगा, कोई शादी का प्रश्न लेकर आ जाए, तो हमने उस, वो बोलता है मेरे पास जन्म कुंडली नहीं है, हमने टाइम चार्ट के द्वारा देखा, तो हमने उसका शादी के प्रश्न का उत्तर दे दिया, हमें लगे 15 से 20 मिनट। अगला क्लाइंट आया, उसका प्रश्न है कि मेरा तलाक कब होगा। 15 मिनट पहले किसी ने पूछा मेरी शादी कब होगी, अब कोई पूछ रहा है मेरा तलाक कब होगा। इसके 15 मिनट बाद कोई तीसरा, अगर मान लो जातक आता है, वो कहता है कि मैं तलाकशुदा हूं, मेरी दूसरी शादी कब होगी। तो एक ही लग्न में ये अलग अलग प्रकार के प्रश्न आ गए। तो कृष्णमूर्ति जी ने 1 से 249 नंबर, जो कि आप ये मान के चलिए राशि नक्षत्र उपनक्षत्र के विभाजन कर दिए मेष से लेकर मीन तक। तो जब जातक आता था, कोई प्रश्न पूछता था, कहता था जन्म कुंडली नहीं है, तो उसको हम ये कहते हैं कि 1 से 249 के बीच में होरारी नंबर बताएं। तो अभी ये टेबल खुलने जा रहा है 1 से 249 का।
ये देखिए 1 से 249। अब मैं वो टेबल खोलता हूं तो आप देख रहे हैं यहां पे एक नंबर पे है मंगल केतु केतु, यहां पे मेष राशि केतु नक्षत्र केतु उप नक्षत्र यानी कि मंगल केतु केतु। तो अब यहां पे देखें मंगल केतु शुक्र, मंगल केतु सूर्य, मंगल केतु चंद्र, मंगल केतु मंगल, मंगल केतु राहु, मंगल केतु गुरु, मंगल केतु शनि, मंगल केतु बुध, और उसके बाद मंगल शुक्र शुक्र। तो यहां पे भी आप देखें मंगल केतु केतु से लेकर मंगल केतु बुध, उसके बाद मंगल शुक्र नक्षत्र शुक्र उप नक्षत्र मंगल शुक्र शुक्र, यहां पे देखें मंगल शुक्र शुक्र, फिर मंगल शुक्र सूर्य, मंगल शुक्र चंद्र। अब मंगल शुक्र चंद्र देखे कितने नंबर पर आ रहा है, 12 नंबर पर, यानी कि 12 नंबर होरारी जब कोई प्रश्न बोलेगा तो लगन का राशि स्वामी मंगल, नक्षत्र स्वामी शुक्र और उप नक्षत्र स्वामी चंद्र। यहां से गिन लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है जी। अब यहां पे एक और चीज आपको बताता हूं, कि जब हम मेष, अब यहां पे तो ये मेष राशि, अब मेष के बाद इसको मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा तो यहां पे ये वृषभ 23 नंबर से शुरू हुआ, ठीक है। तो मेष के बाद वृषभ आती है 23 नंबर पे, यहां पे आप देखें शुक्र सूर्य राहु, यहां देखें शुक्र सूर्य राहु, क्योंकि मेष के बाद वृषभ राशि आई। मेष में केतु शुक्र सूर्य के जब उप नक्षत्र उप नक्षत्र तक आप काउंट कर लेंगे, उसके बाद वृषभ राशि में आएगा कौन सा नंबर, शुक्र सूर्य राहु 23 नंबर पे। फिर आएगा शुक्र सूर्य गुरु, ये देखें शुक्र सूर्य गुरु। फिर 25 नंबर पे आएगा शुक्र सूर्य शनि, ठीक है। फिर वृषभ के बाद आ जाएंगे मिथुन राशि पर। तो यहां पे इसको मैं स्क्रोल डाउन करता हूं, वृषभ पे के बाद ये आ गया मिथुन। अब हमारा टेबल देखें, बुध की राशि मंगल का नक्षत्र बुध का उप नक्षत्र, बुध की राशि मंगल का नक्षत्र बुध का उप नक्षत्र 42 नंबर। तो ये किस प्रकार से हमने गिना है, मेष केतु केतु एक नंबर, फिर ऐसे यहां पे 9, फिर यहां पे हमने 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, और मैंने आपको बताया था कि वृषभ में वो 23 नंबर, ठीक है। 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 34 35 36 37 38 39 40 41, और यहां पे 42 नंबर पे बुध की राशि मंगल का नक्षत्र बुध का उप नक्षत्र, देखें 42 नंबर पे बुध की राशि मंगल का नक्षत्र बुध का उप नक्षत्र। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि ये टेबल कितना उपयोगी है। क्लियर है, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। जी क्या कह रहे हैं, सुधीर जी आवाज म्यूट कर लीजिए अभी। सुधीर जी कुछ पूछना चाहते हैं, सुधीर जी आप कुछ पूछना चाहते हैं जी, पूछिए। जी जी पूछिए। हाँ जी हाँ जी पूछिए, आपकी आवाज आ रही है। नक्षत्र का इसमें मतलब उप नक्षत्र
ये समझ नहीं आया, ये समझ नहीं आया आपको? हाँ जी, आपको समझ आया? कल मैंने ये भी बताया था कि जो रूलिंग ग्रह होते हैं, लगन का नक्षत्र स्वामी, लगन का राशि स्वामी, चंद्र का नक्षत्र स्वामी, चंद्र का राशि स्वामी और दिन स्वामी, तो कोई मान लो कोई प्रश्न आ गया कि मेरे पास वो कार्य कब होगा या कोई सामान कब आएगा, तो हम रूलिंग ग्रहों की मदद लेते हैं। और जिस समय हम चार्ट बनाते हैं तो जो लगन बनता है उस लगन से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी अभी जैसे मकर लगन चल रहा है। सर तो ऐसा आवाज डिस्टर्बेंस आ रहा है, ऐसा आवाज सुधीर जी आप म्यूट कर सर। लीजिए। तो देखिए, जैसे कि मकर लगन चल रहा है, तो मकर के बाद कुंभ लगन आएगा, फिर मीन लगन आएगा, फिर मेष, फिर वृषभ, फिर मिथुन, फिर करक, फिर सिंह, इस तरह से ये लगन बढ़ता रहेगा। तो जैसे अब इस टेबल में देखें आप कि मकर लगन चल रहा है, मकर लगन के बाद कुंभ लगन आएगा, कुंभ लगन के बाद मीन लगन आएगा, मीन लगन के बाद मेष लगन आएगा, मेष लगन के बाद वृषभ लगन आएगा, फिर मिथुन लगन आएगा। कहने का मतलब ये है कि इस टेबल में एक तो हम लगन को भी बढ़ाकर देख सकते हैं, उसके अलावा यदि सूर्य का गोचर देखना है, चंद्र का गोचर देखना है, तो चंद्र किस राशि में है वहां से हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे चंद्रमा जो है अपनी करक राशि में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी के समय, और चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में है, तो इस टेबल में हम ये देख सकते हैं कि चंद्रमा जो है करक राशि में है, और करक राशि में वो गुरु के नक्षत्र में है, तो करक के बाद चंद्रमा जाएगा सिंह राशि में। और ये मैं आपको बता दूं कि करक राशि में चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में, फिर शनि के नक्षत्र में, फिर बुध के उप नक्षत्र में जाएगा। और जब वो गुरु के नक्षत्र में जाएगा तो पहले चंद्र के उप नक्षत्र में, यहां पे आप देखें चंद्र अपनी करक राशि में, गुरु के नक्षत्र में, मंगल के उप नक्षत्र में। तो इस टेबल में देखें करक राशि, गुरु का नक्षत्र और उप नक्षत्र किसका देखा था? मंगल का, वो देखिए, तो मंगल का। उसके बाद ये राहु के उप नक्षत्र में जाएगा चंद्र, फिर चंद्र उसके बाद करक राशि में शनि के नक्षत्र में जाएगा, और शनि के नक्षत्र में जब जाएगा ये सभी उप नक्षत्रों को एक एक करके पार करेगा। जब ये सभी उप नक्षत्रों को एक एक करके पार करेगा तो चंद्रमा करक राशि में ही बुध के नक्षत्र में जाएगा, और बुध के नक्षत्र में वो इन सभी उप नक्षत्रों को पार करेगा। तो ये हमें पता चलेगा यहां से ये हर ग्रह का राशि नक्षत्र बदल रहा है। और यदि मैं यहां पे ऑल प्लैनेट सब लॉर्ड चेंजेस करता हूं, तो चंद्र यहां पे देखिए बुध की राशि में, गुरु के नक्षत्र में, और अभी ये मंगल के उप नक्षत्र में चल रहा है। ये भी 8:55 तक, तो अभी 8:49 हुए हैं, तो 8:55 के बाद चंद्रमा गुरु के करक राशि में ही, गुरु के नक्षत्र में, राहु के उप नक्षत्र में जाएगा। तो ये केपी स्टारवन सॉफ्टवेयर में ये दिया हुआ है इस तरह से। इसको हम नीचे करते जाएंगे तो ये आगे आगे बढ़ता जाएगा। ये देखिए टाइम भी बढ़ रहा है, तिथि भी बढ़ रही है। तो ये आपको पता चला। अब ये यहां पे कितना हमें स्क्रोल डाउन करना पड़ेगा आप समझ सकते हैं, जबकि हमारे टेबल में जो हमारा टेबल है
इसमें हम यहां से ऐसे बढ़ बढ़ के देख सकते हैं कि कौन सी तारीख को चंद्रमा किस नक्षत्र में होगा, किस उपनक्षत्र में होगा। हमें मालूम है 2.25 दिन एक राशि में रहता है और एक नक्षत्र में 24 घंटे के लगभग रहता है, तो हम वो गणना ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी मैंने आपको मुख्य तौर पर जो हमारे टेबल है इनको देखना समझाया है। अभी हम कृष्ण मूर्ति पत्ती के यदि कहें तो अभी हम सही विषयों पर नहीं बढ़े हैं। अभी जस्ट आपको मैंने ये बताना शुरू किया है कि कृष्ण मूर्ति पत्ती में कि कोई ग्रह किस नक्षत्र उपनक्षत्र में होता है तो किस प्रकार से हम देखते हैं, कोई भाव किस नक्षत्र किस उपनक्षत्र में चल रहा है वो हम किस प्रकार से देखते हैं, ये मैंने अभी आपको बताया। क्योंकि जब हम कृष्णा मूर्ति पत्ती के द्वारा चार्ट बनाते हैं तो हर ग्रह का राशि नक्षत्र उपनक्षत्र, हर भाव का राशि नक्षत्र उपनक्षत्र, वो हमें उनकी राशि डिग्रियों से पता चलता है। सॉफ्टवेयर में आपको ये बना बनाया मिलेगा, लेकिन जो हमारा टेबल है इसके द्वारा हम गणना कर सकते हैं। तो यहां तक तो ये मैंने आपको कि मेरी कोई वस्तु गुम हो गई है। अब उसने प्रश्न पूछा कि वो गुम हो गई है या मैंने घर में कहीं रख दी है, मुझे मिल नहीं रही है और मुझे बहुत ज़रूरत है, मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे कब तक मिल सकती है। उसी वक्त हमने रूलिंग ग्रहों को लिया, जैसे मैंने अभी के समय लिया, आज की तारीख है और बिल्कुल अभी का समय चल रहा है और लुधियाना, और मैंने ये चार्ट ओपन कर लिया। ठीक है जी, अब लगन का अच्छा सर, नक्षत्र स्वामी चंद्र है, लगन का राशि स्वामी शनि है, चंद्र का नक्षत्र स्वामी गुरु है, चंद्र का राशि स्वामी स्वयं चंद्र है और दिन स्वामी शनि है। तो यहां पर रूलिंग ग्रह हुए चंद्र शनि गुरु चंद्र शनि। ठीक है, और ये पांच रूलिंग ग्रहों में हम देखेंगे कि राहु केतु इनकी राशि में है, तो राहु जो है शुक्र की राशि में है और शुक्र हमारे रूलिंग ग्रहों में नहीं है, और जो केतु है मंगल की राशि में है और मंगल भी हमारे रूलिंग ग्रहों में नहीं है। हमारे जो रूलिंग ग्रह हैं चंद्र शनि गुरु चंद्र शनि, यानी कि चंद्र शनि और गुरु ये तीन रूलिंग ग्रह हैं। तो मकर लगन चल रहा है, मकर लगन के बाद कुंभ लगन चलेगा, तो कुंभ लगन शनि का है और शनि हमारे रूलिंग ग्रहों में है, तो इसका मतलब ये है कि जब कुंभ लगन चलेगा तब वो वस्तु मिल सकती है, लेकिन वो वस्तु भी तभी मिलेगी जब कुंभ लगन के अंतर्गत चंद्र शनि गुरु के ही नक्षत्र आए। तो हम अपने टेबल में देखेंगे कि कुंभ लगन के अंतर्गत मंगल राहु गुरु के नक्षत्र आते हैं, तो यानी कि कुंभ के अंतर्गत गुरु का नक्षत्र आया, और हमारे जो रूलिंग ग्रह हैं उसमें कुंभ का स्वामी शनि है और चंद्र के नक्षत्र गुरु, जो कि कुंभ राशि में नक्षत्र के रूप में आता है, गुरु भी रूलिंग ग्रहों में मौजूद है। तो जब कुंभ लगन चलेगा और जब गुरु का नक्षत्र चलेगा तब वो वस्तु मिल सकती है, और कुंभ लगन गुरु के नक्षत्र में जो उपनक्षत्र है, तो हमारे जो रूलिंग ग्रह थे गुरु शनि व चंद्र, तो गुरु का उपनक्षत्र या शनि का उपनक्षत्र या चंद्र का उपनक्षत्र जब चलेगा तब वो वस्तु मिल सकती है, और ये इस समय के दौरान ढूंढने की भी पूरी कोशिश करनी चाहिए। तो ये आपको पता चला कि एक रूलिंग ग्रहों के द्वारा किस प्रकार से हम देखते हैं। तो इसमें चंद्र की पोजीशन भी देखनी पड़ेगी प्रश्न करता। वो तो ये देखिए ना, जब हमने ये टाइम चार्ट बना लिया 10 जुलाई 2021 रात के 8:52, तो चंद्र तो करक में है, लेकिन हमने अभी ये देखा कि अभी जैसे मकर लगन चल रहा है,
तो मकर लगन के बाद कुंभ लगन है, और कुंभ लगन का स्वामी शनि रूलिंग ग्रहों में मौजूद है, तो वो वस्तु जो है हम घर में ढूंढ रहे हैं वो कुंभ लगन में मिल सकती है। चंद्र का गोचर तब देखेंगे जब हमें ये हो कि कोई कार्य 2-3 दिनों में हो सकता है। और जैसे कि चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में है, गुरु रूलिंग ग्रहों में तो है ही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे गाड़ी, हमने बाहर जाना है, हमने कार निकालनी है, लेकिन कार की चाबी कहीं मिल नहीं रही, लेकिन वो कार की चाबी तो घर के अंदर ही है ना कहीं रख दी होगी, कहीं कबर्ड में रख दी होगी, या कहीं किसी पैंट की पॉकेट में होगी, लेकिन वो ढूंढने पर नहीं मिल रही। तो जाना भी हमें 1-1 घंटे के अंदर अंदर है, तो हम उसी वक्त ढूंढेंगे, और नहीं मिल रही तो हमने रूलिंग ग्रहों की मदद ली कि अभी मकर लगन चल रहा है, तो जब कुंभ लगन में जो है मिल सकती है। ये पहला अंदेशा हुआ कि कुंभ लगन में मिल सकती है। और यदि मकर लगन जो चल रहा है, यदि ये भी हम देख लें, तो लगन का नक्षत्र स्वामी क्या है? चंद्र, यानी लगन के को रूलिंग है शनि चंद्र बुध। तो मकर लगन चल रहा है, मकर लगन शनि चंद्र और ये बुध, तो बुध के बाद केतु शुक्र सूर्य के उपनक्षत्र आते हैं, केतु शुक्र सूर्य में से कोई भी रूलिंग ग्रहों में नहीं था। फिर मकर लगन में आगे मंगल का नक्षत्र आएगा, मंगल भी रूलिंग ग्रहों में नहीं था, तो अब मकर में ये मंगल का नक्षत्र भी रूलिंग में नहीं था। इसके बाद हम कुंभ लगन की तरफ गए, कुंभ लगन में मंगल राहु गुरु के नक्षत्र आते हैं, तो मंगल रूलिंग ग्रहों में नहीं था, राहु रूलिंग ग्रहों में नहीं था, तो गुरु रूलिंग ग्रहों में था। तो कुंभ लगन में जब गुरु का नक्षत्र चलेगा तब वो वस्तु मिल सकती है, और जब गुरु का नक्षत्र चलेगा उसमें जब गुरु शनि या चंद्र के उप नक्षत्र पर जब वो लगन जाएगा तब वो वस्तु मिल सकती है, क्योंकि ये सब फिर हमारे रूलिंग ग्रहों में है। क्लियर हुआ? जी सर। अब जैसे मान लो यही प्रश्न कोरियर के लिए हो, यही प्रश्न कोरियर के लिए हो कि मेरा कोरियर नहीं मिला मुझे, तो मैंने रूलिंग ग्रह यही लिए जो ये हमने लिए, मान लो ये प्रश्न ही हमने कोरियर के लिए लिया, तो मकर लगन चल रहा है, मकर के बाद कुंभ चलेगा, फिर मीन चलेगा। अब यहां पे कुंभ लगन का कोई महत्व नहीं है, यहां पे मीन लगन का भी कोई महत्व नहीं है, चाहे कुंभ का शनि रूलिंग में है, चाहे मीन का स्वामी गुरु रूलिंग ग्रहों में है, इनका कोई महत्व नहीं है कि मकर के बाद कुंभ लगन आएगा या मीन लगन आएगा तो कोरियर मिलेगा ना, क्योंकि कोरियर वालों का दफ्तर अभी नहीं खुला, इस समय नहीं खुला होता रात्रि को, तो सुबह 9 बजे खुलता है, 9 बजे वहां से डिलीवरियां निकलती हैं, तो सुबह 9 बजे जो लगन शुरू होगा इन्हीं रूलिंग ग्रहों के द्वारा, तो वो हम अगली सुबह से देखेंगे। जैसे आज 10 जुलाई 2021 है, तो 11 जुलाई, यहां पे मैं 11 तारीख भरता हूं, और सुबह का ये 9:15 बजे का टाइम है, तो आप देख सकते हैं कि 11 जुलाई को सुबह 9:15 बजे सूर्य का लगन यानी कि सिंह लगन होगा। अभी मकर चल रहा है, यानी कि जब लगन यहां पहुंचेगा तो सुबह 9:15 बजे, मतलब सूर्य केतु शनि, ठीक है जी। अब सूर्य केतु शनि ये लगन ऐसे बढ़ता जाएगा, तो सूर्य हमारे रूलिंग ग्रहों में नहीं था, उसके बाद कन्या लगन आएगा, कन्या भी हमारे रूलिंग ग्रहों में नहीं, उसके बाद तुला आएगा, तुला का स्वामी भी हमारे रूलिंग ग्रहों में नहीं, फिर वृश्चिक लगन आएगा, वृश्चिक का स्वामी मंगल भी रूलिंग ग्रहों में नहीं, फिर उसके बाद धनु लगन आएगा, धनु लगन का स्वामी गुरु हमारे रूलिंग ग्रहों में था, तो धनु लगन फिर वो
कब शुरू होगा यदि हम देखें तो मान लो 9 बजे सिंह लगन है, 9 2 11 1 3 5 बजे यदि हम मान लो, यानी कि 17 बजे, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये देखिए, जैसे कि मैंने बताया शाम को 5:45 बजे गुरु का लग्न शुरू होगा और गुरु रूलिंग ग्रहों में था, तो अब उसके बाद यानी कि धनु लग्न शुरू होगा, केतु शुक्र सूर्य के नक्षत्र आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से हमने रूलिंग ग्रह लिए तो वो अगले दिन पार्सल मिल सकता है, रात को नहीं, क्योंकि रात को तो दफ्तर बंद होते हैं। जी सर, तो कहने का मतलब ये है कि पहले तो ये पता होना चाहिए कि अगर कोई जो भी कार्य है, क्या वो कुछ घंटों में हो सकता है, क्या वो रात्रि को संभव है कि रात्रि में हो सकता है। अगर रात्रि में संभव नहीं है तो फिर अगले दिन देखेंगे। अब जैसे मान लो कई कोरियर दफ्तर 11 तारीख रविवार को बंद ही होते हैं, डिलीवरी नहीं देते, तो इसका मतलब रविवार का पूरा दिन चला जाएगा। फिर हम चंद्र का गोचर देखेंगे कि सोमवार को चंद्रमा किस नक्षत्र में है, उस हिसाब से क्या वो रूलिंग ग्रहों में आ रहा था, तो हमें क्या वो वस्तु मिलेगी। और यदि तो रूलिंग ग्रहों का इस प्रकार से इसमें महत्व होता है। इसके ऊपर कुछ उदाहरण हैं, जो उदाहरण मैं आपको भेजूंगा और उनसे ज्यादा फिर आपको सही से पता चलेगा। वो मैं आपको टेलीग्राम का जो हमारा ग्रुप है मैं वहां पर भेजूंगा, उसमें स्टेप बाय स्टेप जो है सब दिया होगा। ठीक है। और पहले वो उदाहरणें आप कर लें, फिर उसके बाद जो है हम यहाँ पर लाइव एग्जाम्पल लेकर या कुछ उदाहरणों को हम यहाँ पर भी समझेंगे।